Nice. You know, इस हॉल को ऐसे डेकोरेट करना कि वर्ल्ड का सबसे रोमांटिक जगह लगे, क्योंकि आज मैं जिससे मिलने वाली हूँ ना, वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो जगह भी स्पेशल होनी चाहिए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, राइट? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू। तनु, ये अभी मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, इनफैक्ट एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? हां वो मामा, कल उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शायद उसी में बिजी होगा, और कल रात को उसका एक कॉन्सर्ट भी था, तो इसीलिए शायद। वैसे हमने भी दो तीन दिनों से बात नहीं की है, बट रिलैक्स, उसने अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात कर ली है और थोड़े दिनों में शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। बस इसी बात की फिक्र हो रही थी मुझे। चल अब मैं फोन रखती हूँ, लेकिन वो आए तो मुझे फोन करवा देना। ओके मामा, बाय। मामा से झूठ तो बोल दिया, पर अब मुझे सच में ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरी और अभी की शादी फिक्स हो जाए। आज वैलेंटाइंस डे है और मुझे अपने झूठ को सच बनाना होगा। I will seduce him, जिससे वो प्रज्ञा को भूल के मेरा दीवाना हो जाए। होगी? क्या होगी? होगी? छोड़ ना होगी, डिस्टर्ब मत कर। होगी? नहीं वो होगी, अगर मैं उड़ गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। होगी? होगी छोड़ बोलो। सुबह सुबह गुब्बारे बेच रहे? मेरा क्रेडिट कार्ड का है। ये वहां पर आया कैसे? उड़ के। वही रहता तो वही रहेगा ना। ये वहीं पर क्यों रहता है? क्योंकि उसकी सही जगह है वो। तुम कोई जज हो, सही और गलत का फैसला लोगी? जज नहीं हूँ, टीचर हूँ, लोगों को सही गलत सिखाती हूँ। छोटी चीजों को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो खो ना जाए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखता नहीं हूँ तो तुम खो क्यों नहीं जाती? जिस दिन मैं खो गई ना, उस दिन आपकी कोई खोई हुई चीज नहीं मिलेगी। जिस दिन तुम खो गई ना, मेरी कोई चीज खोएगी नहीं, सब अपनी जगह पे मिलेगी, समझी? लेकिन मैं नहीं मिलूंगी, ढूंढने आएंगे ना तो भी नहीं मिलूंगी। तुम्हें ढूंढने आएगा कौन? क्योंकि जिस दिन तुम खोगी ना, उस दिन मैं फ्री में कॉन्सर्ट करूंगा।